अचानक जब गुना कलेक्टर भास्कर लक्षकार जमीन पर बैठ गए तो सभी हतप्रभ रह गए थे। हालांकि उनका बैठना भी लाजमी था क्योंकि सुबह से ही दिव्यांग जन हंगामा कर रहे थे, साथ ही जिद पकड़कर बैठे थे कि ज्ञापन तो जिला कलेक्टर को ही देंगे। हालांकि इस बीच अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे ज्ञापन लेने की बात भी कही, लेकिन दिव्यांग जनों की जिद के आगे कोई कुछ न कह पाया। आखिरकार पहले कलेक्टर परिसर में हंगामा करने के बाद सभी दिव्यांग जन हनुमान चौराहे पहुंचे, जहां पर उन्होंने चक्का जाम किया। वहीं शाम को कलेक्टर के बंगले पर भी पहुंचे। कलेक्टर ने उनका अभिवादन जमीन पर उनके साथ बैठकर ही किया। इसी के साथ उन्होंने समझाया कि किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वहीं एक बात पर जिस पर दिव्यांग जनों ने कहा कि आपको हमारे बारे में पता होते हुए आपने हमारे लिए समय नहीं निकाला, इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि यदि मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले आपके लिए समय निकालता। कलेक्टर का यह रूप शायद गुना के लोगों ने पहली बार देखा होगा। वहीं जनचर्चाओं में आज जिला कलेक्टर के जमीन पर बैठने वाली बात दिन भर लोगों की जुबान पर रही। मस्ती कर रहा हूँ, बैठा हूँ, नहीं सर ऐसा नहीं है, और आपसे मिल नहीं रहा हूँ, तो फिर आपने ये जिद क्यों उठानी कि एटीएम को नहीं देंगे ज्ञापन? ये गलत सर, बीच में भी तो सर आप दो मिनट का समय निकाल सकते, लेकिन सर आपके नॉलेज में थी सर ये चीज कि हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं सर? नहीं मेरे नॉलेज में ये बताओ ना सर, आप आरोन से लौट कर आए सर तब तो आपके नॉलेज में थी सर ये चीज? नहीं ये लोग बैठे हुए, मुझे नहीं पता था कि आप लोग बैठे थे। 4 बजे तक ऑफिस में बैठे, इसके बाद नहीं आपको ऑफिस में बैठने की जरूरत क्यों थी? आप एटीएम आपके पास गए कि नहीं गए? नहीं हाँ या ना गए थे? एटीएम कानून को हाथ में नहीं ले सकता, जैसे मैं नहीं ले सकता वैसे आप। और आज सर आपके नॉलेज में ये चीज़ थी सर जब हम लोग वहाँ बैठे? नहीं मेरे नॉलेज में, आपके नॉलेज में थी सर इस बार? अगर आपको विश्वास ही नहीं कलेक्टर पर तो फिर आप मैं